सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव में रिश्तों को तार तार कर देने वाला और मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां देवर ने घर में घुसकर भाभी की मंदबुद्धि बहन के साथ दुराचार कर दिया। अपनी बड़ी बहन को लेकर सुरीर कोतवाली पहुंची महिला ने अपने देवर पर बलात्कार का आरोप लगाते हुए दुराचार का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि वह बाजार में सामान लेने गई थी और उसकी बहन घर पर अकेली थी, जो कि मंदबुद्धि है और बोल नहीं सकती। उसकी दिमागी हालत भी कमजोर है। उसने बताया कि मेरे जाने के बाद मेरे चचिया ससुर के लड़के ने उसे अकेला देखकर दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार कर दिया। बहरहाल पीड़िता की बहन ने सुरीर कोतवाली में घटना की तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद सुरीर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता को नौजील सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोज खान की रिपोर्ट। एक छोटी बहन का बलात्कार किया है। किसने? हमारे चाचा जी के लड़के ने। जी। उसका नाम देवा है। जी। और मैं घर पर थी नहीं और मैं सुबह चली गई तो मेरे घर में पीछे से घुस आया और ये दिमाग से थोड़ी हल्की है, बोलती है नहीं किसी से, तो मौके का फायदा उठा गया और उसका बलात्कार किया घर में घुस के। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी।